in the name of allah the most merciful and beneficent my dear viewers assalamu alaikum today i have brought explanation of the first chapter of grade 9 and the title of the chapter is treaty of hudaybiyah it is selected from the new course of 9th grade and federal board treaty of hudaybiyah and in urdu translation it is called sulay hudaybiyah

कबीला कुरेश और हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के दौरान मक्का में के दरमियान बहुत अहम मुआदे पर दस्तखत किए गए बैकग्राउंड एंड लीडिंग इवेंट्स हज़रत मोहम्मद पीस पी द तो दुमरा इन द होली काबा आप अलैहि वसल्लम ने ख़ान काबा में उम्र अदा करने का ख्वाब देखा टू कंसिडर दिस ड्रीम एज अ साइन ऑफ रेवोल्यूशन फ्राम अल्लाह और इस हाब को अल्लाह की तरफ से वही की निशानी समझते हुए ही ए 1400 फोर्टीन हंड्रेड मुस्लिम clothes क्लोथ्स decided टू विजिट मक्का उन्होंने चौदह सौ मुसलमानों के हमरा एहराम पहने और मक्का जाने का फैसला कर लिया एज पर एंशंट अरब कस्टम एवरी वन कुड विजिट द काबा कदीम अरब की रवायात के मुताबिक हर कोई काबा का चक्कर लगा सकता था काबा जा सकता था अनआर्म्ड बग़ैर किसी असले के एंड फाइटिंग ऑफ एनी काइंड वॉज प्रोहिबिटेड ड्यूरिंग द फोर सेक्रेड मंथ्स ऑफ द ईयर लक़ा िजा मुहरम एंड रजब और चार मुक़दस महीनों में साल के चार मुक़दस महीनों के दौरान लकदा लिजा मुहरम और रजब ये चार मुकद्दस महीने हैं जिनके दौरान किसी भी किस्म की लड़ाई ममनू थी देअर फोर मुस्लिम इम्बाक्ड ऑन देयर जर्नी इन द एक्सपेक्टेशन दैट द कुरेश वुड रिस्पेक्ट देयर कस्टम्स इसीलिए मुसलमान अपने सफर पर रवाना हुए इस उम्मीद के साथ कि कुरेश भी उनकी रवायात की की इज़्ज़त करेंगे एंड recognize देयर पीसफुल intentions टू मेक द हज और हज अदा करने के उनके जो पुरअमन इरादे हैं उनको तस्लीम करेंगे बट द कुरेश प्रूव्ड मुसलिम रॉन्ग लेकिन कुरेश ने मुसलमानों के इस ख्याल को गलत साबित कर दिया हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन एम एंड इस फॉलोअर्स वर हाल्टेड आउटसाइड द सिटी हज़रत मोहम्मद सल्लाम और उनके पैरोकार उनके साथी शहर से बाहर रुक गए ही मेड इट क्लियर टू द पीपल ऑफ़ मक्का दैट देयर इंटेंशन वॉज ओनली टू परफॉर्म उमरा बट द कुरेश ऑफ मक् डिड नाट अग्री टू एक्सेप्ट उन्होंने मक्का के लोगों को यह वाजे कर दिया कि उनका इरादा सिर्फ उमरा अदा करने का था लेकिन मक्का के जो कुरेश हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट इसको कबूल ना किया इसको मानने से इनकार कर दिया आफ्टर सींग द रिबेलियसनेस एंड ऑप्सनेसी ऑफ द कुरेश ऑफ मक्का मक्का की बगावत और हरतरमी को देखते हुए हज़रत उस्मान गनी वो सेंट एज़ एज एम्बेसडर टू द पीपल ऑफ़ मक्का सो दैट दे मे कम्युनिकेट विद द इनफीड ऑफ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह को अपना एम्बेसडर नुमाइंदा बनाकर मक्का के लोगों की तरफ़ भेजा ताकि वो मक्का के जो मशरक़ हैं उनसे बातचीत कर सकें द कुरेश हजरत उस्मान कुरेश इस बात पे रजामंद ना हुए और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह को अपने पास रख लिया ड्यू टू द डिले रूमर स्प्रेड अमंगस्ट द मुस्लिम्स दैट हजरत उस्मान गनी हैड मार्टर्ड इस ताखीर की वजह से मुसलमानों के दरमियान एक अफवाह फैल गई कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह शहीद हो चुके हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैदर्ड हिज कम्पेनियन अंडर अ ट्री आप सल्लम ने अपने साथियों को एक दरख्त के नीचे इकट्ठा किया एंड टू का प्लेच फ्रॉम दैम और उनसे एक माहिदा लिया उनसे एक बैत ली विच इज दैट

Here the translation is given. Surely Allah was pleased with the believers when they were pledging allegiance to Him. yaqinan Allah ईमान वालों से खुश हो गया जब वो आ, उसके लिए बैत कर रहे थे अंडर द ट्री इन उदैबिया उदैबिया के मुकाम पर एक दिरात के नीचे जब बैत ली जा रही थी तो यकीनन अल्लाह ईमान वालों से खुश हो गया सो so, what was देयर हार्ट अल्लाह न्यू इन एडवांस जो उनके दिलों में था अल्लाह पहले से जानता था देन ही सेंट डाउन अपॉन दैम पीस ऑफ हार्ट फिर अल्लाह ने उनको दिलों का सुकून अता किया एंड गेव दम द रिवॉर्ड ऑफ द वेरी नीर विक्ट्री दैट इज़ खैबर और उनको करीब मुस्तबिल में आने वाले एक अजीम फ़तः के तौर पर उनको इसका सिला अता किया और वो खैबर है फ़तेह खैबर के की, की शक्ल में उन्होंने मुसलमानों को एक बहुत अजीम फतह अता की ये आयत सुरह फतह वर्स 18 है इट सून बिकेम नोन दैट द रिपोर्ट ऑफ हजरत उस्मान गनी मार्ट वॉज रॉन्ग जल्द ही मालूम हो गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी की शहादत की खबर गलत थी द कुरेश सेंट सुहेल बिन उमरू एज देयर एम्बेसडर सो दैट दे कोड टॉक अबाउट रिकन्सिलियेशन कुरेश ने सुल बिन उमरू को अपना नुमाइंदा बना के भेजा ताकि वो मुफाहमत की कोई बात कर सकें द टॉक्स प्रूवड फ्रूटफुल और ये बातचीत जो है वो मुफीद हुई एंड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज रीच बिटवीन द पार्टीज़ और दोनों जमातों के दरमियान मफामती दस्तावेज तय पाया द ट्रीटी वॉज सिग्निफिकेंट विक्ट्री फॉर द मुस्लिम द उमरा पीसफुली यह माहिदा उन मुसलमानों के लिए फतेह साबित हुई एक अहम फते थी जो कि पुरान तरीके से उमरा अदा करना चाहते थे आफ्टर द पैग ऑफ मक्का अग्रीड टू कामली रिजोल्व जब मक्का के जो बदू थे या बुद्ध मत के मानने वाले थे उन्होंने इस, इस इन हालात को ख़ामोशी से हल करने की कोशिश की उस पर खामोशी से हल करने में रज़ामंद हो गए द कंडीशन ऑफ़ द ट्रीटी वट ग्रेट लेंथ फिर इस इसदे की जो शराइ थी उनको बड़ी तफसील से डिस्कस किया गया उस पर बहस की गई फिर मुदे की जो शराइ थी उन पर तफसील से बहस की गई The Quraysh of Makkah agreed to resolve the situation after agreeing to the following points. इन पर रज़ामंद होते हुए कुरेश मक्का ने इन हालात को हल इन मसाइल को हल करने पर रजामंदी का इजहार किया और वो क्या पॉइंट्स थे वो क्या शराइ थीं नंबर वन द विल रिटर्न टू मदीना विदाउट परफॉर्मिंग उमरा इस साल मुसलमान उम्र अदा किए बग़ैर मदीना वापस चले जाएंगे हाउ एवर द मुसलिम्स विल बी परमिटेड टू कम बैक नेक्स्ट ईयर टू पीसफुली स्टे इन मक् फॉर थ्री डेज एंड परफॉर्म उम्र ताहम मुसलमानों को यह इजाजत दी जाती है कि वो अगले साल पुरम तरीके से मक्का में आएंगे तीन दिन वो ठहरेंगे और उम्र अदा करेंगे द मुस्लिम आर ओनली अलाउड टू कैरी सोर्ड्स फॉर प्रोटेक्शन विच शुड बी कैप्ट अंडरनीथ शीट्स और मुसलमानों को सिर्फ तलवारें अपने हिफाजत के लिए सिर्फ तलवारें साथ लाने की इजाजत होंगी लेकिन वो तलवारें भी वो अपने म्यान के अंदर रखेंगे तलवारें बाहर नहीं निकालेंगे बल्कि अपने म्यान के अंदर रखेंगे नंबर टू द ट्रीटी ऑफ उदेबिया अ टेन ईयर आर्मिस्टिस बिटवीन बोथ पार्टीज बिटवीन बोथ पार्टीज़ एंड एडवाइज एवरी वन टू लिव इन हारमोनी एंड पीस ड्यूरिंग दिस टाइम सुलह उदेबिया दोनों जमातों के दरमियान दस साल तक का मुआ, पुरान मुआदा है एंड एडवाइज आर्मिस्टिस है यानी सीज फायर बगैर किसी लड़ाई के बगैर किसी झगड़े के के पुरअमन दोनों जमातों के درمیان पुरअमन मुआयदा है एंड एडवाइज्ड एवरीवन टू लिव इन हार्मनी एंड पीस ड्यूरिंग दिस टाइम और हर एक को नसीहत की जाती है कि वो इस इन दस या इस अरसे के दौरान वो अमन और हमांगी से आपस में रहेंगे इफ एनीवन फ्रॉम द कुरैश गोज ओवर टू हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तीसरा जो तीसरी शर्त ये थी कि अगर कोई विदाउट हिज गार्डियंस परमिशन अगर कोई अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर हज़रत कुरश का कोई बंदा अपने सरपरस्त की इजाज़त के बगैर हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम के पास जाता है ही शुड बी सेंट बैक टू द दुरीश उसको कुरेश के हवाले कर दिया जाएगा बट एनी ऑफ हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉलोर्स रिटर्न टू कुरेश ही शेड नॉट बी सेंट बैक लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्ला वम के पैरोकारों या साथियों के आ, साथियों में से कोई कुरेश वापस जाएगा तो उसे वापस नहीं भेजा जाएगा नंबर फोर एनी ट्राइब और पर्सन विशेज टू जॉइन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड साइन द अग्रीमेंट अ साइड हिम विल बी फ्री टू डू सो कुरेश का कोई बंदा या कोई भी कबीला कोई भी शख्स किसी भी कबीले का कोई बंदा यानी कुरेश से बाहर कोई भी कबीला है उसका कोई बंदा भी आप अलैहि वसल्लम के साथ मिलना चाहता है और उनके साथ मुआदे पर दस्तखत करना चाहता है he will be free to do so, वो ऐसा करने में आजाद होगा. इसी so, इसी तरह, likewise, इसी तरह यानी कोई 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 भी कोई भी कबीला, शख्स अगर कुरेश के साथ कोई पर दस्तखत करता है तो उसको भी पूरी इजाजत होगी या पूरी आजादी होगी नंबर फाइव एनी फादर वो स्टिल कोई भी नौजवान शख्स जिसका बाप अभी ज़िंदा होगा और वो उसकी परमिशन उसकी इजाज़त के बगैर या अपने किसी सरपरस्त की इजाज़त के बगैर हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम के पास चला जाएगा ही मस्ट बी रिटर्न टू मक्का उसको मक्का वापस कर दिया जाएगा वापस भेज दिया जाएगा ऑन दी अदर हैंड इफ़ एनी वन वेंट फ्रॉम मदीना टू मक्का लेकिन कोई मदीना से मक्का जाएगा कुरेश पीपल वुड बी अंडर नो ऑब्लीगेशन टू रिटर्न हिम लेकिन कुरेश के लोगों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा कि वो उनको भेजे नाउ हजरत अली रजियाल एंड ट्रीटी ऑफेबिया हजरत मोहम्मद पीस पियापॉन हिम वॉज डिक्टेटिंग एंड हजरत अली वॉज राइटिंग द पॉइंट ऑफ द ट्रीटी आप सलम बोलते जा रहे थे और अली रज़ी अल्लाह माहिदे की शराइत को लिखते जा रहे थे वेन हज़रत मोहम्मद पीस बी एपन हेम डिकेटेड मोहम्मद अल्लाह इन राइटिंग जब हज़रत मोहम्मद सल वसलम ने उनसे मोहम्मद रसूल लिखने के लिए कहा लिखने के लिए बोला द कशी एम्बेसडर ऑबजेक्टिट क्रिएश का जो नुमाइंदा बैठा हुआ था उसने इस पर एतराज़ किया एंड सेट दैट मोहम्मद बिन अब्दुल्ला शुड बी रिटर्न इंस्टेड मोहम्मद रसूल्ला की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखना ज, लिखा जाना चाहिए ऑन दिस हज़रत मोहम्मद पीसबिया अपॉन हिम ऑर्डर्ड हज़रत अली टू राइट द वर्ड मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस पे Hazrat Muhammad हजरत मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें एंड चेंज रसूल्ला और रसूल्ला को तब्दील कर दें बदल दें या रसूल की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दें हजरत अली डिड नॉट लाइक अली ने इस बदलना पसंद ना किया सो हजरत मोहम्मद आप सलम ने खुद उसको मिटा दिया अब देखें ये क्या वाक्य है उस दौरान दिस पीस ट्रीटी वॉज स्टिल बींग रिटर्न वेन अबू जंदल सन ऑफ सुहेल बिन उमरो केम ड्रैगिंग हिज शिकल्स यानी यह बताया जा रहा है ये वाक़ इसलिए उस टाइम पे पेश भी आए ये हजरत ये मुसलमानों का एक इम्तिहान था और मुसलमान अपने हर अपने वादा को अपने वादे को पूरा करने में हर इम्तिहान में पूरे उतरे दिस जैसे कि अबू जंदल अभी ये माहे पर दस्तखत हो रहे थे ये माहे की शरात अमन माहिदे की शरात लिखी जा रही थी जब अबू जंदल जो कि सुहेल बिन उमरों का के बेटे थे वो जंजीरों से जकड़े हुए अपने आप को घसीटते हुए वहाँ पहुंच जाए द रसूल ऑफ अल्लाह सेड अबू जंदल बी पेशेंट एंड अ रिवॉर्ड उन्होंने अबू जंदल से कहा कि सबर करो और इसको अल्लाह की तरफ से इनाम समझो अल्लाह विल मेक अ प्लेस ऑफ ओपननेस एंड रिफ्यूज फॉर यू एंड फॉर ऑल द अदर वीक मुस्लिम्स विद यू अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारी तरह के बहुत से कमज़ोर मुसलमानों के लिए और बहुत एक तुम्हें कुशादगी अता करेगा तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा और तुम्हें पना देगा वी हैव मेड पीस विद द कुरेश क्योंकि हमने कुरेश के साथ अमन मुहिदा कर लिया है सो वी कैन नॉट मेक बैड प्रोमिस हम अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते रोल ऑफ हज़रत उम्मा हज़रत उमेम रजी का क्या किरदार था इस अमन मुहदे के दौरान इन दिन टाइम द रसूल ऑफ अल्लाह हैड फिनिश राइटिंग द पीस अग्रीमेंट उसी दौरान आप सल्लाम ने अमन माहिदा लिखना खत्म किया सो ही सेव गेट अप एंड सेक्रीफाइस यूर एनिमल्स उठ उठ जाओ और अपने अपने जानवर कुर्बान कर दो बट नो वन वॉज विलिंग टू गो बैक विदाउट परफॉर्मिंग उम्र लेकिन कोई भी उमरा अदा किए बगैर वापस जाने पर रजामंद ना था उमल मोमिन हजरत उम ओ रसूल उमे सलमा ने कहा ए अल्लाह के रसूल यू शुड स्लॉटर योर स्लॉटर योर एनिमल क्वाइटली विदाउट टू से आप अपना जानवर खामोशी सेबा कर दें बगैर किसी को कुछ कहे एंड कॉल योर बाबर टू शेव द हैड और अपने हजाम को बुला लें कि वह आपका सर और अपना सर मंडवा लें अपने हजाम को बुला कर अपना सर मंडवा लें हज़रत मोहम्मद पीस पी अपन केम आउट एंड स्लॉटर्ड इज एनिमल आप अलैहि वसल्लम बाहर आए और अपना जानवर कुर्बान किया ही कॉल्ड द बार्बर एंड हिम टू शेव इज़ हेड उन्होंने हुजाम को बुलाया और उससे कहा कि वो उनका सर और उनको अपना सर मंडवाने के लिए कहा वन द पीपल सॉ इट दे ऑल्सो गॉट अप एंड स्लॉटर ड्योर ओन एनिमल्स क्योंकि मुसलमान वही करते थे जो आप सल्ह वसलम किया करते थे यानी उनकी सुन्नत पर अमल करते थे उनको देखते हुए तमाम मुसलमान उठे उन्होंने अपने अपने जानवर कुर्बान किए और उसके बाद एक दूसरे के उन्होंने सर मंडवाए इवन दो terms ऑफ द ट्रीटी ऑफ देबिया डिड नॉट फेवर मुस्लिम्स इंपॉर्टेंस इसकी ये है सुलह देबिया की अहमियत क्या है सुलह उदैबिया की अहमियत यह है कि अगरचे सुल्ह उदेबिया की जो कुछ शराब थी वो मुसलमानों के हक में नहीं थी या मुसलमानों के लिए बेहतर नहीं थी इट्स इम्पोर्टेंस इन इस्लामिक हिस्ट्री कैन नॉट बी डिनाइड लेकिन इस्लामी तारीख में इसकी अहमियत को रद्द नहीं किया जा सकता या इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता आफ्टर द ट्रीटी वॉज साइंड जब ये इस इसदे पर दस्तखत हो गए द पीपल ऑफ़ कुरेश स्टार्टेड टू रिकगनइज़ हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एज ए लीडर ऑफ मदीना कुरैश कुरेश के जो लोग थे या क्रेश मक्का जो थे उन्होंने हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम को मदीना का लीडर रहनुमा मान एज मतलब मदीना का रहनुमा मानने में मानना तस्लीम कर लिया या उनको मदीना का रहनुमा मान गए एंड मुस्लिम्स वर परमिटेड टू मेक अलाइंस विद अदर ट्राइब्स और मुसलमानों को इजाज़त थी कि वो दूसरे कबाइल के साथ इतिहाद करने की इजाज़त है और मुसलमानों को दूसरे कबाइल के साथ इतहाद करने की इजाज़त थी फर्दर मोर द ट्रीटी ब्रॉट अ पीसफुल एंड टू द ऑन गोइंग स्ट्रगल अमंगस् द पोलिथियस्ट्स एंड फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम एज पीपल स्टार्टिड टू सी इस्लाम एज ए रिलीजन ऑफ पीस इसके अलावा ये माह जो मश्रक मक् थे उनके और इस्लाम के पैरोकारों के दरमियान जो मुस्तकिल एक लड़ाई या एक जद्दहद जारी थी उसको पुर तरीके से उसका खात्मा किया इस मुदे ने मुसलमानों और मश्रकिन के दरमियान जो जारी एक लड़ाई थी या ज़द्दोजहद थी उसका पुरन खात्मा किया एज पीपल स्टार्ट टू इस्लाम एज ए रिलीजन ऑफ पीस क्योंकि लोगों ने देख लिया कि इस्लाम जो है वो अमन का मज़हब है द टेन ईयर ट्रूस अलाउड मुस्लिम टू फ्री ली प्रीच इस्लाम ये दस साल का अमन मुहदा इसने इस्लाम को द टेन ईयर ट्रूस अलाउड मुस्लिम्स टू फ्री ली प्रच इस्लाम ये दस साल का अमन मुहदा इस दस साल के अमन मायदे ने मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर इस्लाम की तबलीग करने का मौका दिया एंड पीसफुली डील विद द एनिमीज़ ऑन द अदर साइड ऑफ अरेबियन पैनन्सूला और दूसरी तरफ़ जज़ीरा नुमा अरब के जो दुश्मन थे उनसे भी पुरम तरीक़े से डील करने का उनसे यानी ये जो दस साल पुरमन नुहदा था उन्होंने उसने मुसलमानों को आज़ादाना तौर पर इस्लाम की तबलीग और जजीरा नुमा और दूसरी तरफ जज़ीरा नुमा अरब के दुश्मनों से पुरम तरीके से निमटने का आ, की आज़ादी दी हज़रत मोहम्मद पीस तीसबी अपॉन हिम टॉट अ लेसन ऑफ़ कीपिंग प्रोमिसज़ इन द पीस ऑफ हुदेबिया आप सल्ह वसम ने हद सुलह उदैबिया में देबिया की शक्ल में मुसलमानों को वादा पूरा करने का सबक सिखाया विच इज़ द वे ऑफ इटर्नल सालवेशन जो कि दायमी सालमियत का एक बेहतरीन जरिया है द एपर डिफीट ऑफ द पीस ऑफ उदेबिया वॉज एक्चुअली डिक्लेयर्ड एज द विक्ट्री फॉर मुस्लिम्स एंड इस्लाम सुल्ह उदेबिया की जो बज़ाहिर शिकस्त थी यानी कुछ ऐसी शरात थी जाहिर है जो मुसलमानों के खिलाफ थी बज़ाहिर तोेबिया मुसलमानों के खिलाफ एक शराइ नज़र आ रही थी लेकिन वो कहते हैं कि बज़ाहिर जो सुलह उदेबिया की शक्ल में जो शिकस्त हुई थी वो दर हकीकत मुसलमानों और इस्लाम की फतेह थी यानी देखने में हमें ये नज़र आ रहा था कि सुलह उदेबिया मुसलमानों के खिलाफ जा रहा है लेकिन दर हकीकत ये मुसलमानों और इस्लाम की एक बहुत बड़ी मुसलमानों और इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी द ट्रीटी ऑफ उदेबिया सर्व एज अ टाइम लेस रिमाइंडर ऑफ द पावर ऑफ डिप्लोमेसी पेशेंस एंड परसिवेरेंस इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्स एंड फोस्टरिंग हारमोनी अमंग डाइवर्स कम्यूनिटीज सुलह उदेबिया सफारतकारी सबर और या आप ऐसे कह सकते हैं कि सुलह हुबिया तनाजात के हल हल में सबर और इस्तकाम की ताकत एंड एनफोस्टरिंग हारमनी अमंग डाइवर्स कम्यूनिटीज़ और मुख्तलिफ बरदरीों के दरमियान हम आंगी पैदा करने की एक लाजवाल या है It remains a shining example of transformative impact of peace building efforts in shaping the course of history and promoting the values of tolerance, coexistence, and mutual respect. The, it remains a shining example of the transformative impact of peace building efforts in shaping the course of history and promoting the values of tolerance, coexistence, and mutual respect. Tarih ke dhare or bardasht, bakae bahmi, coexistence means bakae bahmi, and mutual respect. और बाहमी एहतराम को तश्कील देने में क्याम अमन की कोशों के बदलते हुए असरा की एक रोशन मिसाल है इट रिमेन्स अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट क्याम अमन की कोशिशों के बदलते हुए असरा की एक रोशन मिसाल है शेपिंग द कोर्स ऑफ हिस्ट्री तारीख के धारे को तश्कील देना एंड प्रोमोटिंग द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस और बर्दाश्त को एग्जिस्टेंस बकाए बाहमी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बाहमी एहतराम को तश्कील देने में रिमेंबर दिस थिंग आई होप दिस लेक्चर इज़ यूजफुल फॉर यू ये लेक्चर आपको सुलहुदीबिया की अहमियत के बारे में बताता है कि सबसे बड़ा सबक जो मुसलमानों ने सीखा वो ये था कि किसी हाल में भी वादे की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करनी चाहिए हजूर सल्ला वसम को बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा जैसे अबू जंदल की मिसाल हमारे सामने है अबू जंदल मुसलमान हो चुके थे और वो आप सल्ला वसलम के पास भागते चले आए लेकिन उस वक्त तक मुआदे की शरात लिखी जा चुकी थी कि कोई भी शख़्स अपने गार्डियन की इजाज़त के बग़ैर अगर हजूर सल्लम के पास आएगा तो उसे वापस कर दिया जाएगा वो अपने आप को घसीटते हुए जंजीरों के अंदर आप सल्लम के पास आ गए और इस्लाम उन्हें बताया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और वो आप सल्लम के साथ मिलना चाहते हैं लेकिन आप सल्लम ने कहा कि हम वादे की खिलाफ वर्जी अब नहीं कर सकते उन्हें उम्मीद दिलाई कि वो अल्लाह पे उम्मीद रखें क्योंकि अल्लाह उनके लिए और उन जैसे जो कमजोर मुसलमान हैं उनके लिए खुद ब खुद रास्ते खोल देगा बज़ाहिर सुलह उदबिया मुसलमानों की एक शिकस्त नज़र आ रही थी जाहिरी तौर तो पर तो ये एक शिकस्त क्योंकि बहुत से जो पॉइंट्स थे बहुत सी जो शराइ थी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जा रही थी लेकिन दर हकीकत ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी और इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ी फतह थी फिर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बैत रिजवान के नाम से जब इन्होंने आप सल्लम के हाथ पे बैत ली और उन्होंने कहा कि हम उस्मान गनी रज़ी अल्लाह के कत्ल का बदला लेंगे तो जो कि एक, एक र्यूमर था एक अफवाह थी लेकिन अल्लाह ताला इस बात पे खुश हो गए अल्लाह ताला राज़ी हो गए और उन्होंने सरा फ़तह में की ये आयात उन्होंने नाजिल की जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लाह इनकी नईतों से वाकिफ था इन मुसलमानों की नईतों से पहले से ही वाकिफ था और अल्लाह ताला जल्द ही उनको इनाम अता किया फ़तह खैबर की सूरत में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सिला दिया इसका इनाम अता किया i hope this uh, chapter is clear to you translation i'll come next with the exercise of this chapter inshallah uh, all the best for you uh, in your new syllabus inshallah it will be easy i will upload more chapters with translations so that it is easy for you to understand thank you i request you all to subscribe my channel if you have not subscribed before please click like button and share among your friends and all the students of grade 9 who are going to appear this year in the federal board examination and they are confronting a new syllabus. I thank you all.